लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। आज मैं आपके लिए 16 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा की सरकार ने। तो ओडिशा राज्य की सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है और जिसका नाम है ड्राई राशन योजना। तो आइए सबसे पहले इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो ओडिशा की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति के लिए एक योजना को शुरू किया है और जिसका नाम क्या है, ड्राई राशन योजना। फ्रेंड्स, इस योजना को उन प्रवासी कामगारों तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को 5 किलो चावल मुफ्त में दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको प्रवासी श्रमिक की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो किसी प्रवासी श्रमिक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो क्या करता है, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। तो ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए ड्राई राशन योजना को शुरू किया गया है। ऑफेंस किसने शुरू किया है, ओडिशा ने। आइए ओडिशा के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर और ओडिशा की लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और जो विधानसभा सीट है वो है 147। ओडिशा का जो राजकीय पशु है वो है सांबर, राजकीय पक्षी की बात करें वो है इंडियन रोलर और जो ओडिशा का राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि जो चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लैगून झील भी कहा जाता है और ये ओडिशा में है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ये कहाँ पे है, आपका आंसर होगा ओडिशा में। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, ये भी है ओडिशा के तट पर। किस मंदिर को कैला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर को, जो कि ओडिशा में है। और फ्रेंड्स आइए अब ओडिशा के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम जान लेते हैं। ओडिशा में है बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुबली हवाई अड्डा, ये सारे हवाई अड्डे कहाँ पे हैं, ओडिशा में। और ओडिशा के प्रमुख मंदिर हैं श्री जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये दोनों मंदिर हैं ओडिशा में। और वहीं अगर हम बात करें ओडिशा के लोक नृत्य की तो वो है ओडिशी और सवारी। ऑफेंस ओडिशा में कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, ये सारे स्टेडियम कहाँ पे हैं, ओडिशा में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले ये दिवस क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ये हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिवस लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 की थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, यानी कि भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। ऑफन सब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। फर्स्ट है विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, 2 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है, 4 सितंबर को।
नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनंत कुमार को। तो अनंत कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। फ्रेंड्स, ये गणितज्ञ हैं। अनंत कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है अर्ब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इरेटा को, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। और रुडोल्फ बी स्किंडलर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। और टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जेन गुडवाल को। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर जो भारत की पहली फास्टैग आधारित है मेट्रो पार्किंग सुविधा, इस सुविधा को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि PPBL यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को शुरू किया है। और हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है कर्नाटक। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा। COVID-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? आंसर है भुवनेश्वर। और देश का पहला ग्रीन ATM कहाँ पे स्थापित किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और जो भारत की पहली पोड टैक्सी है ये कहाँ पे चलाई गई है? नोएडा में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक में निलंबित कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया देश को। तो IOC ने उत्तर कोरिया देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि IOC ने उत्तर कोरिया देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित क्यों किया है? फ्रेंड्स, COVID-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने की सजा के रूप में उत्तर कोरिया देश को 10 सितंबर 2021 को IOC के द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। और हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ओलंपिक की। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ओलंपिक खेल से रिलेटेड स्ट्रैटेजी की बता देती हूँ। फर्स्ट है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आंसर है IOC। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ग्रीस के एथेंस में। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? आंसर है पियरे डी कॉबर्टिन को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो क्या है? आंसर है फास्टर हाइट स्ट्रॉन्गर टुगेदर। और भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम को भेजा था? आंसर है 1920 में। और ओलंपिक के लोगो में कितने छल्ले होते हैं? आंसर है 5। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, PM नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। ऑफेंस आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। अगला प्रश्न हमारा, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, NIOS को। तो NIOS को, जो कि शिक्षा बोर्ड का नाम है, को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। और फिर यहाँ पे NIOS का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा में। और यहाँ पे बात है यूनेस्को की, आइए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। अगला प्रश्न हमारा, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा रणधीर सिंह। तो जो राजा रणधीर सिंह हैं, ये एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ, ये भारतीय हैं। तो भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। और फ्रेंड्स एशिया की ओलंपिक परिषद का मुख्यालय है कुवैत सिटी में, और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 नियुक्तियाँ करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? आंसर है हेमंत धनजी। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आर एन रवि। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? वी वैद्यनाथन। और टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? सुहास यतिराज। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे ने। तो IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। तो आइए प्रोजेक्ट उड़ान का उद्देश्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स IIT बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपना प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट उड़ान का जो उद्देश्य है वो है कि प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों के द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और यह दिवस जो है ये राष्ट्र के विकास में इंजीनियर के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का प्रतीक है। और फ्रेंड्स 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? 15 सितंबर को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है आनंद कुमार को। नेक्स्ट है, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को किसने शुरू किया है? आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? आंसर है उत्तर कोरिया को। अगला क्वेश्चन हमारा,
पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? आंसर है अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर है NIOS को। नेक्स्ट है, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। नेक्स्ट है, किस IIT संस्था ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? आंसर है IIT बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है? 15 सितंबर को। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है पटियाला, जो कहाँ पे है? पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कब और कहाँ फहराया गया था? आंसर है वर्ष 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में। नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट से। हवाला क्या है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार? नेक्स्ट है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आंसर है RBI बैंक को, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? आंसर है गामा किरण। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है एटा, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? आंसर है बौद्ध। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया? आंसर है मेंडलीफ ने। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? आंसर है मोसले ने। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? चार ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद केजरीवाल। हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रमेश राजा। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जीव मिल्खा। बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय गोयल। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 124वीं।